चंदा बस ए ही दीजो अगले जन्म अगले तरह से रिद्धि का जल्दी से पता चल जाता था कितना बढ़िया होता। पता नहीं कौन हालत में होगी, कहीं बदमाश लोग के जंगल में दोबारा ना फंस जाए। लिलिया, आजकल देख रहे तुम्हें चिंता फिक्र कुछ ज्यादा ही सता रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, हम जानते हैं लिलिया तुम ही गांव की सरपंच हो, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। बाकी ये वक्त तुमको सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक गिलास खत्म हो जाना चाहिए। और कुछ खाने का मन करे तो कह देना, हम बनवा देंगे। पता चला कहा कुछ छोटे ठाकुर, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे लाली, कुछ पता नहीं चला। आदमी लोग को लगा दिए, देखो क्या होता है। देखो चिंता मत करो, हमको लगता है कि कुछ नहीं होगा, हमको लगता है जहां भी होगी ठीक होगी, मिल जाएगी। सुनो, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता घर में किसी को बताएंगे नहीं, खामा खां सब परेशान होंगे, कोनो फायदा नहीं। हे भगवान, रिद्धि का रक्षा करिएगा। छुटकी ठाकुर, छुटकी ठाकुर, छुटकी ठाकुर। अरे इतना परेशान क्या दिख रही, कोनो बात है का? छुटकी ठाकुर आई, छुटकी ठाकुर कहीं दिख नहीं रहे, हम पूरे घर में ढूंढ मारे पर कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे जमुनी, क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्या लग रही है? सब इतना परेशान क्या खड़े? देखो ना, रणविजय बिना बताया कहीं चला गया, एली जमुनी परेशान हो रही है। अच्छा चलो, हम देख के आते हैं, देख के आते, रुको। ये लो, आ गए। ऐसे हमको अजूबे की तरह काहे देख रहे हैं? ए जमनी, रो काहे ले रही हो? कहाँ चले गए थे रणविजय, परेशान हो रही तब से, इसे बता के जाना चाहिए था ना। अरे माई, एक खातिर ही गए थे, रात भर हमसे कहती रही कि हमको इमली खाने का मन हो रहा है,
तो इमली ढूंढने गए थे, इमली लाने गए थे। बड़ा मुश्किल से मिला चौक पर, दे दो। अरे नहीं, इन लोगों को लगा कि तुम कहीं फिर से। अरे नहीं, इतना सब काहे ले कर रहे हो शेखर। माई, हम जमनी से रात ही कह दिए थे कि हम दारू हमेशा के लिए छोड़ दिए। अरे तो यहीं खड़े रहोगे कि दोगे भी? दो। तुमने लिए लाए। यही दिन देखने के लिए हमरी आंखें तरस गए थे। ऐसा लग रहा जैसे आज हमार राम लक्ष्मण मिल गया। दोनों ऐसा ही रहना। अच्छा माई, हमको इतनी जरूरी काम से जाना है, तो आते वक्त हमको थोड़ा देर हो जाएगा। हाँ बेटा, संभाल के। अब हम भी थोड़ा काम खत्म करके आते। तुम क्या पगली रो रही थी? तुमने लिए लाए थे। बता स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ रे हमरा शेर, बता बता स्कूल में क्या हुआ? मास्टर जी ने हमको तीन का टेबल लिखवाया और हम झटपट से लिख दिए। ये हमरा शेर, आज टेबल कहा कल कुर्सी का, तो फटाफट लिख दीजिएगा। अरे बुद्धू दद्दू, टेबल मतलब पहाड़ा। हमको नहीं पता पहाड़ा टेबल कहते हैं अंग्रेजी में। हमने सीखा अच्छा सियाला हमारा शेर, वाह वाह वाह, हम तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा कलेक्टर बनेगा हमारा। हमारा बच्चे आ जाए बेटे, फुनवा आ रहा फुनवा। एक आता कहिए। ठाकुर साहब, बुरा खबर है ठाकुर साहब, पटना हाईवे पर अपना ट्रक में बम फूट गया है। पिता का अपना सारा अनाज जल गया है। अनाज जल गया, इसका क्या हो सकता है? कौन किया? अरे तो पूर्वक पता कर सुनवाली चरक। कहो बाबूजी। हमारा सारा अनाज जल के खाक हो गया, रंग गया। का? कुछ पता चला का? नहीं, हम पता कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा हम तुम्हें बताते हैं। हाँ अच्छा, रखते हैं। ऐसा करते हैं भैया, अलग अलग हो जाते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। हाँ आप लोग इधर जाके पता कीजिए, हम उधर देखते हैं। चलो चल। एक लड़की है, नाटक कद की है, गोरी है। नहीं, हमने नहीं देखा।
जब अपने माथे पर पड़ा है तो इतना परेशान काहे हो रहे हैं? आप भी तो यही किए हैं, कितने लोगों के साथ कितने बार। एक मिनट बड़ी ठकुराइन, अभी भीषण बनने की कोशिश मत कीजिए बड़ी ठकुराइन, हम हाथ जोड़ता हूं। जब घर ही की महिला बाहर झंडा ले खड़ी हो जाएगी हमारे खिलाफ, हम कहां से लड़ूंगा? लोसेंज, आपकी तारीफ कालू बजरंगे। एक बात तुम्हें समझाने खातिर आए कि घर की औरत लोग चूल्हा जलाएं तो अच्छा लगता है, मगर घर से झंडा लेकर बाहर जाते हैं ना तो अपना ही घर जला डालते हैं। वो ऐसा है कालू बजरंगी जी, आप ये बारात लेकर जो आए हैं ये तरीका हमको पसंद नहीं आया। आप यहाँ पर हमें क्या बात करने आए हैं वो कहिए और यहाँ से जाइए। तो एक बात कान खोल के सुन लो, बात यह है कि तुम्हारी लाली जिसे तुम 90,000 में खरीद कर लाए थे अपने बेटे का रखैल बना के, वो हमारे काम में न टांग अड़ा रही। समझाए दो कि वो हमारे काम में टांग ना अड़ाए, वरना जिस दिन कल्लू बजरंगी का दिमाग घूम गया ना तो तुम्हारे पूरे परिवार को घुमा डालेगा। और एक बात आप भी कान का ठीपा खोल के सुन लीजिए कल्लू बजरंगी जी, ये जो आप धमकी दिया है ये हम मंजूर नहीं करता। हमारे परिवार को तो क्या, एक परिवार का आदमी के बाल भी हाथ लगाया तो हम धरती की सतह पर से तुझे उड़ा दूंगा। रही बात चरैया की तो आप उससे निपटिए, हम आपको खुला लाइसेंस देता हूं, जो करना कीजिए जाइए। लेकिन जाने से पहले ही बताइए कि एक औरत से इतना बड़ा कल्लू बजरंगी तामझाम वाला कैसे डर गया? जिस दिन हम डर गए ना उस दिन धरती में परलय आ जाएगा। वो टरक और अनाज तो जल गया, अब तुम डरना शुरू कर दो। तो हमरा वो अनाज का टरक तू जलाया, यहीं रुक जा। धरती को पैदा नहीं हुआ जो ठाकुर लोहा सिंह को इस तरह धमकी देने का हिमाकत करे। जरा उधर भी तो नजर घुमा के देख लो। मुकाबला करना ही चाहते हो तो हम तैयार हैं। तोरे खातिर ललिया बहुत है रे कल्लू, पहले उसका चंडी रूप देख ले
उसके बाद हम तुमको बताऊंगा कि ठाकुर लोहा सिंह कौन से लोहा से बना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। चलो रे। हमें बहुत ही खुशी हुई ये देख के कि आज पहली बार किसी बाहर के आदमी के सामने आप अपनी बहू की तारीफ की। अच्छी बात है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए बड़ी ठाकुरायन, कि कम से कम इस जन्म माँ हम ई चरैयक तारीफ तो नहीं कर सकता, लेकिन हम ये कभाव बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई बाहर का आदमी ठाकुर लोहा सिंह को आके समझाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और जो कुछ भी हो रहा है हवेलिया माँ, ये सबकी जिम्मेदार है चरैया। नया नया कांड खेलती रहती है, नया नया खेला, नया नया रामलीला। कहाँ है वो आज इसका केसवा दबाता। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, लाली की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मत करिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, अरे रुकिए तो जरा, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे क्या कर रहे हैं? बीच में नहीं बोलेगी। लाली की तबीयत ठीक नहीं है। अरे चुप रहा तू, बीच में नहीं, हमको पता तबीयत ठीक नहीं, हमारा टेम्परेचर बहुत हाई, हम कह रहा हूँ बीच में नहीं बोलेगी। साले ये तुम्हारा रामलीला डांडिया कब बंद होगा रे हमारी चरैया? ये देखिए क्या है, सब भोला भाला चेहरा बना खड़ी देखी जा, सब दुनिया कुछ पता ही नहीं है। हम पूछा कल्लू बजरंगी नाम सुना है? अरे कल्लू बजरंगी खिलाफ मुहिम का खड़ी हमको बताइए, करोड़ों का नुकसान हो गया हमारा, ये पंगा लेने का जरूरत? किसने अंधेरे में झंडा उठाए एकला चालो रे? कल्लू बजरंगी वो शख्स का नाम है तोहरे जैसे 25 सरपंच यहाँ घुमाता, यूं यूं घुमाता नोक पर। अली जल्दी चलो, लाली हम उसे ले आए। नीचे घबराई बैठी है, बजरंगी आदमी फिर से पकड़ लिए थे, मुश्किल से छुड़ा के लाए। आओ जल्दी चलो। क्या बात है? आइए मैं यहाँ पे आई। कौन है अभी तक? लाली को अभी कौन सा नया नाटक? रोने का कोई जरूरत नहीं है, अपना घर में है ना, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ हम पूछ रहा हूँ, ये लड़कियाँ हमारे घर में कैसे दाखिल हो गई? इसे बाहर निकालिए। ये कहीं बाहर नहीं जाएगी भाई ठाकुर, ये आज से हम लोग के साथ रहेगी, ये घर में। तुझे घर में रहने परमिशन दिया, एक ये मतलब नहीं हुआ बोरिया विस्तार का कोई भी आ जाएगा, घर में अनाथ आश्रम बना रखा है का? का पता नहीं कहां की पैदाश है ये, किसी को उठा के घर में बिठा देते हो। ऐसा ही कुछ भी मत बोली भाई ठाकुर, एकरे भीतर भी ठाकुर परिवार का खून बह रहा है। रणविजय ठाकुर की बड़की बेटी रहती है।